Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog, another beautiful day. कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती होंगे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी लो हुई हुई है क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा मेरे बोलने के अंदाज से क्योंकि अभी रोज़ा है ना, तो रोज़ा आज अपनी पूरी जो है ना वो बता रहा है कि मैं मतलब कि आज तुमने मुझे रखा हुआ है क्योंकि यार गाइस कल इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, ऐसे लग रहा था जैसे रोज़ा तो बिल्कुल फील ही नहीं होना, लेकिन आज अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि ऐसे लग रहा है जैसे एक ही दिन में सारी गर्मियाँ आ गई है पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अच्छा चलो खैर, अभी ना हम लोग इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो अभी हम लोग इफ्तारी के लिए खाना वगैरह बनाते हैं, मम्मा के साथ थोड़ी सी हेल्प करवाते हैं और फिर देखते हैं कि आज हमारे घर में क्या बनेगा, कौन सी जो डिश है आज बनेगी, क्योंकि फ्राइज सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसन का भी रोज़ा है, अभी वो आएगा तो उससे पूछेंगे कि उसका रोज़ा कैसा गुजरा आज का। आज उसका पहला रोज़ा है, मतलब कि पहला रोज़ा मतलब कि जब उसकी एज के मुताबिक उसका आज पहला रोज़ा है, वरना पहले उसने एक रोज़ा पहले भी रखा हुआ था। तो चलो अभी मम्मा के साथ हेल्प करवाते हैं थोड़ी सी और फ्राइज़ वगैरह करवा लेते हैं मम्मा के साथ काम थोड़ा सा। तो गाइस अभी मैं आलू वगैरह छीलने लगी हूँ क्योंकि हम लोग बनाने लगे हैं इनकी फ्राइज़। और एप्पल काटने बाद में काटेंगे या अभी? बाद में काटेंगे, पहले हम लोग फ्राइज़ बना लेते हैं। और मम्मा आटा गूंथ रही हैं, मम्मा ने आज नया ड्रेस पहना है। हेलो मम्मा, हेलो मम्मा कैसा जा रहा है आपका रोज़ा आज? सही जा रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप मम्मा। और मम्मा यार ये दूध ओहो बाहर रखा हुआ, कहीं ख़राब ना हो जाइए। ओके ऐसन आ चुका है और ना लेटा हुआ है। हाय ऐसन, हेलो। तो ऐसन अभी तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रोजा कैसा गुजर रहा है? लेवल लेवल है, वो उठ नहीं रहा। मैं इसको कही थी कि गाइस इसको मैं कही थी ऐसन उठ के किचन में आओ, तो उठ के नहीं आया इसका रोजा, इतना इसको लगा हुआ है। वजन करते हाँ। ले एक दिन में वजन कम हो जाने नहीं हुआ, मैंने किया आ गया सर नहीं हुआ एक दिन में कैसे हो जाएगा? तो गाइस अभी जो है ना, अभी ऐसा का आज पहला रोजा, तो ऐसा आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो है ना ऐसा ने सारी नमाजें पढ़ी है, ऐसा ने सारा कुछ किया है और ऐसा ने रोजा रखा है और आज ऐसा का पहला रोजा है। और लिखो रोजा लगा हुआ? रोज़ा नहीं लगा हुआ, शक्ल से तो लग रही है रोज़ा में झूठ नहीं बोलते, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है तो अभी तुम्हारी पसंद की आज गाइस इसके पसंद की ना चीज बन रही है। इधर आओ तो मैं दिखाऊँ कितनी ज़्यादा बनाई है हम लोगों ने। एग्जॉस्ट चला दो ऐसे। तो गाइस ये हमारे घर बनने लगा है अचार गोश्त और ये देखें ये फिंगर चिप्स बनेंगे इतनी परात भर के, क्योंकि हम लोग खाते बहुत है ना माशाल्लाह से। ये देखो अभी तुम्हारी वजह से इतनी फिंगर चिप्स बनेंगे। मम्मा आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? अच्छा ये सारी बैठो चले। सो गाइस हम लोगों ने इफ्तारी कर ली है, आज हमारी पहली इफ्तारी थी तोश की, पानी तो डालो। कैसा रहा रोजा? बहुत अच्छा। आप लोगों का रोजा कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह ठंड है ना, आज तो मैं भी अचानक एक गर्मी आ गई थी ना, मुझे प्यार गर्मी ही हो गई है, ठंडा ठंडा रोजा होगा। ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों में रोजे आ गए, हमें तो बहुत ज्यादा मौजे हैं अब, लेकिन नहीं। ये लो तुम भी रखा करो रोजे सारे लोग, ठीक है ना, इसमें शफा है। सो गाइज अभी मेरा डिनर होने लगा है, ये है ये क्या है, ये फिंगर चिप्स फ्राइज और ये है अचार गोश्त, ये अचार गोश्त होगी। और ये देखो कितनी कोली भर के बैठी हुई है, इसको इससे लूँगी, इसने अंदर आलू भी डाल दिए पता नहीं कहाँ से, और साथ में मैं ये भी। सो गाइज इफ्तारी वगैरह हो चुकी है और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों इफ्तारी करके इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, और मेरा दिल कर रहा है इधर ही चारपाई पर लेट के सो जाऊँ। और इतना खाया तो नहीं है, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितना खा लिया कसम से यार, इतना ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया है। और बस आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आगे भी इंशाल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं, आमीन। और आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे। और ठीक है फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में रखना, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।